अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास किरचॉफ रूल्स क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि जो किरचॉफ के दो रूल्स थे, उनको हम सर्किट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे वहाँ करंट को फाइंड करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहा जाता है? व्हीटस्टोन के अंदर हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस होती हैं, ठीक है, और इनको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि ये एक आपस में एक ब्रिज की फॉर्म बनाते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसको हम अप्लाई क्यों करते हैं? तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस नाउन हो, तो चौथी रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि आपके पास R1, R2 और R4 जो है वो नाउन रेजिस्टेंसेस हों, इनकी रेजिस्टेंस का पता हो, और एक अननाउन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हुए आप यहाँ पे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें किरचॉफ ने एक सेकंड रूल दिया था, जिसे हम नाम देते थे KVL रूल का। अब देखिए, हमारे पास ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने क्या किया है? EMF के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के साथ एक स्विच को रखा। अब स्विच को यहाँ पे रखने का मकसद क्या है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा। अब क्लोज्ड लूप बनने के बाद यहाँ हम ये कहते हैं कि हमने जो रेजिस्टेंसेस लगाई हैं ब्रिज की फॉर्म में, वहां हम इसको पॉइंट्स के नाम दे देंगे ABC और D। देन हमने क्या किया, आपके पास जो दो टर्मिनल्स हैं B और D, इन दोनों के दरमियान आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने का मकसद क्या है? क्योंकि देखें, हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है नल कंडीशन। नल कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तब मुहैया होगा जब यहाँ गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, यानी यहाँ करंट आपके पास क्या होना चाहिए? जीरो। अब करंट को हम जीरो कैसे करेंगे? यानी आप ये कहते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ भी 10 वोल्ट है और यहाँ भी 10 वोल्ट है, अगर दोनों के ऊपर, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का यानी सेम आ जाए, तो आप ये कहेंगे कि आपके पास गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। देन आप इजीली इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? KVL रूल अप्लाई करेंगे। KVL रूल अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे दो लूप्स को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जब हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमारे पास दो लूप्स बन जाते हैं। एक लूप हमारे पास बन जाता है ABDA, दूसरा लूप हमारे पास बन जाता है BCD, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, एक हमारे पास एक और लूप भी बन जाता है, ये लूप सिंपल। आप देखें, जैसे आप KVL रूल अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने सर्कल को ड्रा कर दिया है, अब आपने लूप को चूज कर लिया, आपके पास दो लूप्स बनते हैं। एक लूप बनेगा ABDA, देन दूसरा लूप आपके पास बनेगा BCDA, ठीक है। लूप बनाने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है? करंट की डायरेक्शन को मेंशन कर देना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने बताया था कि आपके पास जितने भी लूप्स हों उनमें आपने करंट की जो डायरेक्शन है उसको एक ही रखना है। यानी अगर आपके पास फर्स्ट लूप के अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, देन आप यहाँ भी उसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यहाँ भी आप उसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। तो मैं कंसीडर करती हूँ
फिर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो यू फ्लो कर रही है, ये लूप वन है तो हम इसे करंट वन का नाम दे देंगे। ये हमारे पास लूप टू है तो ये हमारे पास करंट टू है, देन ये हमारे पास लूप नंबर थ्री एंड करंट नंबर थ्री। अब देखिए हम केवीएल रूल अप्लाई करते हैं सबसे पहले इसके ऊपर, ठीक है, इस लूप के ऊपर ए बी डी ए के ऊपर जब हम लूप को अप्लाई करेंगे, सॉरी केवीएल रूल को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते हुए हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट लूप को टेक करते हैं तो टेक करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है वो फ्रॉम पॉइंट बी टू ए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ करंट। करंट भी आपके पास कहां से कहां फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। अब यहां से आप क्या करेंगे, आप जब बैटरी की कंडीशन को लेते हैं तो आपके पास करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने की वजह से आप यहाँ जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, माइनस आई वन आर वन, ये आपके पास आर वन के अक्रॉस क्या आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इसके बाद देखिए आप यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं आर वन से आर थ्री की तरफ, यानी आप मूव करेंगे या करंट फ्लो कर रहा है ए से डी की तरफ। अब ए से डी की तरफ फ्लो करते हुए आपके पास एक करंट नहीं है, यहाँ दो करंट हैं, आर थ्री के अक्रॉस जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, एक उसमें आपके पास फ्लो कर रहा है आई वन, दूसरा आपके पास यहाँ से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है आई थ्री। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप जिस लूप के अंदर होंगे वो करंट आपके पास मैक्सिमम होगा और जो अपोजिट आपके पास करंट फ्लो कर रहा होगा उसे आप क्या लेंगे, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे जब इस रेजिस्टर के क्रॉस आर थ्री के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो आप लिखेंगे आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री। अब इसके बाद देखें फिर हमारे पास करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से, यानी डी टू बी। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर भी हम देखेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है, तो वहां पे भी आपके पास क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक तो आई वन करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा आपके पास आई टू है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस आई वन माइनस आई जी सॉरी आई टू इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हमारा लूप हो गया क्लोज, ये हमारे पास आ गई हुई है नंबर वन, क्लियर। अब इसके बाद देखिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, लूप नंबर जो सेकंड है हमारे पास बी सी डी, इसके ऊपर भी हम केवीएल रूल अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, हम सी से बी की तरफ देखते हैं, यानी आर टू के क्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या हो रहा है, वो भी ड्रॉप हो रहा है, तो हमारे पास आएगा माइनस आई टू इंटू आर टू। देन देखें आप क्या करेंगे, यहां अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट आप मूव करते जाएंगे बी से डी की तरफ, तो आप इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस आई टू माइनस आई वन इंटू आर जी। देन आपके पास क्या आ जाएगा, डी से सी की तरफ यानी आर फोर के अंदर, तो आर फोर से जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है वो क्या आएगा, आई टू माइनस आई थ्री इंटू आर फोर इज इक्वल टू जीरो। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर टू का। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर आपके पास करंट किस कंडीशन में जीरो होगा, यानी हमने बात ये की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम इजीली मेजर कैसे कर सकते हैं, जब हम ये कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। तो डिफ्लेक्शन शो कब नहीं होगी, जब हम ये कहेंगे कि आई वन करंट जो है वो आई टू के बराबर है। अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास आई वन जो है वो किसके बराबर है, आई टू के बराबर है। अगर हम
इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इन इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास दो जो टर्म्स हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर वो कैंसिल हो जाती हैं। अब वो कौन सी इक्वेशंस हैं? आपके पास गलवानोमीटर के अंदर जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। अब इसी तरह से जब आप यहाँ आई वन और आई टू को बराबर करेंगे देन आपके पास ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद देखें हमारे पास ये इक्वेशंस रह जाएगी माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री विच इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन आपके पास बच जाएगी माइनस आई वन आर वन सॉरी आई टू आर टू माइनस आई टू माइनस आई थ्री इज इक्वल टू इंटू आर फोर इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन आ गई थ्री, ये आ गई इक्वेशन नंबर फोर। अब मजीद सिंप्लीफाई करें इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को तो आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री जो है वो इम्प्लाइज करेगी माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री इज सॉरी ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फाइव। और इक्वेशन नंबर फोर इम्प्लाइज करें माइनस आई टू आर टू इज इक्वल टू आई टू माइनस आई थ्री इंटू आर फोर ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर सिक्स। अब आप रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हुए आपके पास सेम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इनको कैंसिल करने के लिए आपने ये कहा कि आपके पास करंट क्या है, बराबर है, आई वन जो है वो आई टू के बराबर है और आई थ्री जो है वो आई फोर के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी आर वन डिवाइडेड बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री डिवाइडेड बाय आर फोर। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बच जाती है व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। अब देखें आपके पास ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक लगी हुई अननोन रेजिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अनराउंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आपके पास नाउन है आर वन आर टू और आर फोर, आपने कैलकुलेट करना है आर थ्री को। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हैं आर थ्री इज इक्वल टू आर वन मल्टीप्लाइड बाय आर फोर डिवाइडेड बाय आर टू। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उस अनराउंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इससे पहले एक बात मैं बताना भूल गई कि जब आप रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गलवानोमीटर के ऊपर कब सेम होगा दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, तो दोनों को सेम करने के लिए हम ये जो रेजिस्टेंसेस लगा रहे होते हैं इनकी वैल्यूज को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास गलवानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाए। तो आपके पास जो गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। देन आप यहां से इजीली पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू केवीएल रूल्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक इतना ही था, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए आगे होगी।